फिजिकल डिसेबिलिटी की नई परिभाषा मुंबई के उद्योगपति बी के भावेश ने दी, जिसे हम सबको जरूर सुनना चाहिए। तकलीफ और परेशानियां तो उस दिन होती है जब हम अपनी शरीर की तकलीफों को अपने मन पे, अपने दिमाग पे ले लेते हैं और खरे अर्थ में वहीं से डिसेबिलिटी शुरू होती है। बी के भावेश दृष्टि बाधित है लेकिन एक सफल उद्योगपति हैं। इनके जीवन में ब्रह्मा कुमारीज ने आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के माध्यम से रोशनी भर दी है। आज वो हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में अपने अनुभवों से दिव्यांग बच्चों के अंदर आत्मविश्वास भर रहे हैं। मैं समझता हूँ बिजनेस तो क्या, किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है तो दिमाग से ज्यादा उसमें अपना दिल लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिमाग भले सबसे ऊपर की मंजिल पे हो लेकिन कई बार वो जमीन से नीचे की बातें सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि दिल भले यहाँ लेफ्ट में हो, वो सोचता हर बार राइट बातें हैं। दरअसल ब्रह्मा कुमारीज द्वारा तेलंगाना में एक महीने से आई कैन डू इट अभियान चलाया जा रहा था। इस अभियान का समापन हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में हुआ। इसी कार्यक्रम में बीके भावेश ने अपने प्रेरणादायी अनुभव सुनाए। इस समापन कार्यक्रम में वेव इंडिया के सीईओ मिस्टर वसुंधरा, डिसेबल डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर राजेंद्र रेड्डी, ब्लाइंड क्रिकेटर महेंद्र वैष्णव, उद्योगपति भावेश भाटिया, विरतूसा डिजिटल इंजीनियरिंग के सेंटर हेड कृष्णा येडुला, दिव्यांग सेवा के नेशनल कोऑर्डिनेटर बी के सूर्यमणि, शांति सरोवर की निदेशिका बी के कुलदीप दीदी, सिकंदराबाद की प्रभारी बी के मंजू समेत 1500 से अधिक दिव्यांग लोग उपस्थित रहे। इतने सारे वरदानी आत्माओं को एक साथ देखते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। ईश्वर के आप वरदानी आत्माएं हो। दुनिया के नज़र में कहते हैं कि ये एक श्राप है, लेकिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये संदेश संसार को देता है कि ये श्रापित जन्म नहीं है, ये तो एक वरदानी जन्म है। सो आपको जो टी शर्ट भी दिए इसलिए प्रेरणा देने के लिए, आई कैन डू इट, कुछ भी कर सकते हो, हिमालय की चोटी पर भी पहुंच सकते हो। केवल अगर आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आपकी आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाएगी कि सारी दुनिया का दृष्टिकोण आपके प्रति बहुत श्रेष्ठ और शुभ होगा। इस कार्यक्रम के प्रति तेलंगाना सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अजय कुमार, उन्होंने भी अपना वीडियो मैसेज भेजा। ब्रह्मा कुमारी इस मुद्दे पर जो बस यात्रा करके जो है जो जागृति करे लोगों को इनके समस्याओं के ऊपर, उसके लिए वो विजय होने की वजह से और वो सक्सेसफुल बस यात्रा के नाते हम उनको जो है बधाई देते हैं। और ऐसे कम आगे भी तेलंगाना राज्य सरकार के साथ हम दोबारा फिर करने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में दिव्यांग बच्चों ने कल्चरल परफॉर्मेंस देकर सबको अचंभे में डाल दिया। वहीं ब्रह्मा कुमारीज ने कई गैर सरकारी संगठनों को सम्मानित भी किया। मुंबई के मलाड में विधायक असलम शेख द्वारा एक यूनिक कॉन्सेप्ट मलाड मस्ती का आयोजन हुआ, जो कि इक्वल स्ट्रीट की अवधारणा पर आधारित है। मलाड मस्ती के तहत हर रविवार को सड़कों पर मस्ती के सारे इंतजाम होते हैं। मस्ती के इस कॉन्सेप्ट में स्पिरिचुअलिटी को भी जगह दी गई है। खेल प्रशिक्षण और कई प्रतियोगिताओं से भरे स्टॉलों के बीच ब्रह्मा कुमारीज मलाड सेवा केंद्र द्वारा कई स्टॉल्स लगाए गए, जिनमें कई वैल्यूएबल गेम्स और साइंस बेस्ड एग्जीबिशन लगाई गई। पिछले 3 रविवारों से यह सिलसिला जारी है। 25,000 से 30,000 लोग ब्रह्मा कुमारीज की इन सेवाओं का लाभ ले चुके हैं। हर रविवार यहां सेलिब्रिटीज आकर मेन स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। इस रविवार रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी के साथ कई टीवी कलाकार पहुंचे थे। उनके परफॉर्मेंस के बीच ब्रह्मा कुमारीज ने डांस द्वारा ईश्वरी संदेश देने का जोरदार प्रयास किया। Greatest gift of all.
गुरुग्राम के पालम विहार सेवा केंद्र पर हर मन दस्तक विषय पर आयोजित स्नेह मिलन में कई लोग शामिल हुए। इन लोगों में से 100 से भी अधिक लोग वो रहे जो पहली बार ब्रह्मा कुमारीज के किसी कार्यक्रम में शामिल हुए। यह कार्यक्रम सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल दीदी के प्रेरणा से आयोजित रहा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के वरिष्ठ अधिकारी विकास ढांडा, पालम विहार RWA के अध्यक्ष राजन सागर, इंडियन आर्मी के पूर्व मेजर जनरल ओम प्रकाश जी समेत कई लोग शामिल हुए। बीके उर्मिल ने कार्यक्रम में मौजूद सभी को जीवन में बैलेंस बनाए रखने पर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए और राजयोग शिक्षिका बीके सुदेश दीदी ने सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। तो वही अमेजोन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बीके आकांक्षा ने अपने मधुर गीत से सभी का मनोरंजन किया। देखो कौन मिलने आया जिसको हमने था पुकारा, देखो कौन मिलने आया जिसको हमने था पुकारा, रोज रोज दिल से शक्तियों खजानों के वो हर दिन है खाना लगाता। शांति का, खुशी का, प्यार का, शक्ति का लेवल हमारा नीचे हो गया। गवर्नमेंट सर्विस में है, प्राइवेट जॉब में है, किसी NGO के साथ काम कर रहे हैं, किसी भी कार्य में कर रहे हैं, कुछ कार्य के साथ साथ अगर संस्था से जुड़े रहेंगे तो आपको ये वैल्यू एडिशन आपकी लाइफ में देता है। इट टेल्स यू द मॉरल वैल्यूज ऑफ द लाइफ एंड हाउ टू लीड द लाइफ सो दैट यू कैन मेक योरसेल्फ बेटर और साथ साथ समाज में भी आगे होता। हरियाणा के सोनीपत स्थित सोनीपत रिट्रीट सेंटर के 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर वार्षिक उत्सव कार्यक्रम एवं गीता शास्त्र पर चिंतन मंथन कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए SRC की निदेशिका बीके लक्ष्मी दीदी ने कहा कि गीता केवल हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है बल्कि समस्त मानव जाति की सर्व समस्याओं का समाधान देने वाला पवित्र ग्रंथ है। इस मौके पर करनाल के सेक्टर 7 सेवा केंद्र की प्रभारी बीके प्रेम दीदी, निर्मल दीदी, जालंधर से बीके लक्ष्मी दीदी, सोनीपत सेक्टर 15 की प्रभारी बीके प्रमोद, चंडीगढ़ की बीके अनीता दीदी भी मुख्य रूप से मौजूद रही। आम तौर पर दुनिया में क्या होता है, रामायण की कथा सुन लेंगे, भागवत की कथा सुन लेंगे, लेकिन गीता के प्रति जो गृहस्थी है उनका विशेष रूप से आकर्षण कम होता है। सोचते हैं तो दर्शन शास्त्र है, केवल फिलोसफी है इसके अंदर, लेकिन गीता के अंदर भगवान एक ममतामयी माँ के रूप में कितना सुंदर आवाहन करते हैं सबका कि तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, मेरी गोद में आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। सोनीपत के अलावा भगवत गीता पर कई अन्य स्थानों पर सम्मेलनों का आयोजन हुआ, देखिए उनकी झलकियां। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची, सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव का ज्ञान सुनाए।
नेपाल की राजधानी काठमांडू में ब्रह्मा कुमारीज युवा प्रभाग द्वारा गोम्बू सेवा केंद्र पर युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें चर्चा का विषय रहा यूथ्स डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस, जिस पर मोटिवेशनल स्पीकर बीके विजय राज ने 150 युवाओं को एड्रेस करते हुए मोटिवेट किया। इस कार्यक्रम में फेडरल पार्लियामेंट के MP शिशिर खनाल मुख्य अतिथि रहे और उन्होंने भी अपने अनुभवों से युवाओं को लाभान्वित किया। जागरूकता सम्मेलनों, रैलियों, चित्र प्रदर्शनियों, ड्रामे के माध्यम से लोगों को व्यसनों की कैद से निकालने के लिए ब्रह्मा कुमारीज लगातार प्रयास कर रहा है, जिसकी झलक हरियाणा के अम्बाला में देखने को मिली, जहां मोबाइल वैन के माध्यम से स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स और कई सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से सचेत करते हुए व्यसन मुक्त बनने के लिए प्रेरित किया और LED द्वारा कई मोटिवेशनल और राजयोग मेडिटेशन पर आधारित वीडियोस दिखाए गए, जिसमें लोगों के रुझान को देखकर राजयोग मेडिटेशन के विस्तार से जानकारी देते हुए लोकल ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जाकर प्रशिक्षण लेने की राय दी। ऐसे उड़ीसा के जिला राउरकेला में कोयल नगर सेवा केंद्र द्वारा सेक्टर 5 के अभिराम नगर, बागबुड़ी बस्ती B, बागबुड़ी बस्ती C तथा बरटोली में व्यसन मुक्ति अभियान चलाया गया, जिसमें बीके राजीव और बीके धनंजय ने खासकर युवाओं में व्यसनों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाई। देखिए उसकी कुछ झलकियाँ। प्रशांत देखो, जब छोटा था ना तब खाना शुरू किया, वही चीज हम बताना चाहते थे यहाँ पर, तो ये अच्छा है क्या? बीके राजीव व्यसन मुक्ति के लिए काफी समय से प्रयासरत है। यह लोगों को नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए राजयोग मेडिटेशन को अपनाने का सुझाव देते हुए राजयोग का प्रशिक्षण भी देते हैं। उनकी अथक मेहनत का लोगों पर असर भी देखने को मिलता है। लोग उनकी बातों में अपना भला देखकर व्यसन पदार्थों का त्याग करते हुए दोबारा कभी भी हाथ न लगाने का संकल्प भी करते हैं। संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा गुवाहाटी में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के 110 जवानों को तनाव प्रबंधन और इनहेंसिंग इनर स्ट्रेंथ विषय पर चंडीगढ़ की सीनियर राजयोग टीचर बीके कविता, बीके मनु, सिक्योरिटी विंग के सदस्य कर्नल गणेश झापे ने प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बटालियन के कमांडेंट HPS कंडारी जी, असिस्टेंट कमांडेंट संजीव सिन्हा उपस्थित रहे और उन्होंने कार्यशाला को उपयोगी बताया। ब्रह्मा कुमारी संस्था नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को लगातार तनाव प्रबंधन का प्रशिक्षण दे रही है। गुवाहाटी से पूर्व बिहार के पटना में NDRF के जवानों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें वाराणसी की राजयोग शिक्षिका बीके तापोशी, दिल्ली के बीके जयश्री और बीके गायत्री ने प्रशिक्षण दिया। मध्य प्रदेश के मंडला सेवा केंद्र पर दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण थीम के तहत नव निर्वाचित नगर निगम पार्षदों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मंडला सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता, राजयोग शिक्षिका बीके ओम लता की उपस्थिति में नगर निगम अध्यक्ष विनोद कछवाहा, उपाध्यक्ष अखिलेश कछवाहा और जनपद पंचायत अध्यक्ष सोनू भलावे समेत पार्षदों का सम्मान किया गया। अब कुछ खबरें एक नजर में। कम्युनिकेटर ऑफ द ईयर 22 पीस एंड वेलबींग के रूप में बीके डॉक्टर बिन्नी सरीन को मिला प्रतिष्ठित चाणक्य पुरस्कार। पिछले 30 सालों में सेना के जवानों के आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए प्रदान किया गया अवार्ड। कोलकाता में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ पब्लिक रिलेशंस द्वारा डॉक्टर बिन्नी को दिया गया यह अवार्ड। ऐसे ही कोलकाता में आयोजित ऑल इंडिया संस्कृत स्कॉलर्स कॉन्फ्रेंस में बीके डॉक्टर बिन्नी सरीन ने किया संबोधित। कहा, गीता का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाती है ब्रह्मा कुमारीज। नागालैंड के प्रमुख सचिव जाने आलम से कोहिमा के प्रभारी बीके रूपा बहन ने की मुलाकात। ब्रह्मा कुमारीज की गतिविधियों की दी जानकारी। जूरिस्ट विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके लता के भुवनेश्वर पहुंचने पर BJB नगर सेवा केंद्र में स्पिरिचुअल गेट टुगेदर। भुवनेश्वर सबजोन प्रभारी बीके लीना दीदी और BJB नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्विनी भी रही मौजूद। बीके लता ने आध्यात्मिक उन्नति के लिए पुरुषार्थ के चार्ट को रखना बताया जरूरी। नेपाल के दांग जिला स्थित घोराई सेवा केंद्र में गेट टुगेदर। दांग के डिस्ट्रिक्ट जज राम प्रसाद वैश्याल, जगत बहादुर पोडेल, तारा शर्मा, अर्बन डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग प्रोजेक्ट के प्रमुख सुमन कुमार मिश्रा
मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल। राप्ती रीजन के प्रभारी बीके गीता और दांग के सचिव बीके शिवलाल ने किया अतिथियों का स्वागत। तनाव मुक्त जीवन शैली पर हुई चर्चा। बिहार के मोकामा सेवा केंद्र पर आत्मनिर्भर किसान अभियान के तहत किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम। सेवा केंद्र प्रभारी बीके निशा ने किसानों से आत्मनिर्भर बनने के लिए शाश्वत योगी खेती को अपनाने की करी अपील। बीके रोशनी ने आत्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए राजयोग मेडिटेशन की जानकारी देते हुए राज्यों का कराया अभ्यास। ऐसे ही मुजफ्फरनगर सेवा केंद्र पर पत्रकारों के लिए विशेष कार्यक्रम। मीडिया विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके सुशांत द्वारा पत्रकारों से मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता करने की अपील। मीडिया विंग के कार्यकारी सदस्य भी रहे सम्मेलन में उपस्थित। हिमाचल प्रदेश के रिवालसा सेवा केंद्र पर गीता पर सम्मेलन। विश्व हिंदू परिषद के विभागीय अध्यक्ष हरीश, मातृ संयोजिका उमा, गीता कुटीर आश्रम की बीना कौशल की उपस्थिति में हुआ शुभारंभ। सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण दीदी ने कहा कि सर्व समस्याओं का समाधान देती है गीता शास्त्र।